नमस्कार दोस्तों, मैं आशा, मेरे गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, जीनिया के प्लांट गर्मियों में बहुत ही सुंदर खिलता है दोस्तों, काफ़ी दिन तक चलता है ये प्लांट। और ये फूल भी आप देखिए कितना सुंदर है, ऑरेंज कलर का है और बहुत ही सुंदर सुंदर है दोस्तों। ये देखिए रानी कलर में है, ये बहुत ही प्यारा कलर है दोस्तों। गर्मियों में हमारे गार्डन की शोभा बना के रखते हैं, क्योंकि विंटर में तो इतने सारे फूल होते हैं कि हमारा गार्डन वैसे ही रंग बिरंगा रहता है, लेकिन गर्मियों में गार्डन हमारा बिल्कुल बेजान सा हो जाता है क्योंकि फूल नहीं होते ज़्यादा। लेकिन दोस्तों ये जीनिया जो है पूरी गर्मी में इतना अच्छा अच्छा आपको फ्लावरिंग देता है कि मन देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमने ये लगाए हुए हैं और हम कुछ प्लांट और भी लेके आए हैं अभी नर्सरी से, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उनकी रिपोर्टिंग कैसे होगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपके गार्डन में अगर ये फूल नहीं है तो आप भी इसको आप लेके आ सकते हैं। छोटी छोटी पौध मिल जाती है दोस्तों नर्सरी में, वहाँ से आप ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज की शॉपिंग, हमने कौन कौन से प्लांट्स की शॉपिंग की है। हमने काफ़ी और भी नए नए प्लांट्स लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कुछ हम शॉपिंग करके लाए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हम नर्सरी से खरीदते नहीं हैं, कुछ अपने बीजों से ही लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे कई बार ख़त्म हो जाते हैं या फिर हमें जो ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, तो हम नर्सरी से थोड़ा थोड़ा खरीद के ले आते हैं। दोस्तों ये हम नर्सरी से सब 10-10 रुपये के लेके आए हुए हैं। ये देखिए, ये पोर्चुलो का अलग अलग कलर में है दोस्तों। ये अभी खिला नहीं है, मॉर्निंग का वक्त है, अभी खिला नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद ये खिल जाएंगे। अभी हमें जब ये सब खिल जाते हैं दोस्तों, इनको हमें इस प्रकार से हटा देना होता है। अभी हमने हटाया नहीं, अभी हम इनको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अभी ला के हमने इसको सबसे पहले नर्सरी से जब हम लाए, तो 3-4 दिन तक हम अपने गार्डन में इसको ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि ये यहाँ के इन्वायरमेंट से अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। वहाँ पर ये सेट के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कभी लाएँ, 3-4 दिन इनको ऐसे ही रख दें, अपने किसी उसमें साइड में किसी गमले के पास रख दें ऐसे ही। तो यही हमने किया है, अब आज हम इनको रिपोर्ट करेंगे। ये हमारे 4 पोर्चुलिका हैं दोस्तों। ये देखिए विंका, विंका के ये कलर बहुत सुंदर लगता है, और ये भी। और दोस्तों ये अभी अभी खिला नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ये भी बिल्कुल पर्पल कलर में है, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था। ये बहुत छोटा प्लांट है अभी, हालांकि प्लांट बहुत छोटा था और 10 रुपये में ही था, इसलिए मैं इसको ले आया क्योंकि आराम से लग जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा विंका हमारे घर पर भी जो होता है व्हाइट वाला, और दूसरा वो भी होता ही है, और एक दो कलर और ऑलरेडी मेरे पास है दोस्तों, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये हमारा कॉस्मोस है, देखिए ये 3 प्लांट हम कॉस्मोस के लेके आए हुए हैं। समर का ये भी बहुत ही एक बेहतरीन प्लांट है, इसकी इसके जो फ्लावर्स आते हैं बहुत चमकदार आते हैं, और ये गर्मी को भी आराम से सहन कर लेते हैं। इसमें 2 कलर ज़्यादातर आते हैं, अब ये कलर तो बाद में ही पता लगेगा इसमें कौन सा है। दोस्तों ये हमारा जीनिया, ये देखिए ये हमारा जीनिया है। जीनिया हमारा गर्मियों का एक बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों, और इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आते हैं। इसकी हाइट 1.5-2 फुट तक भी जाती है, और आजकल ये छोटी छोटी हाइट्स के अंदर भी आता है, और इसमें बहुत अच्छे कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, और इसके जो फ्लावर्स निकलते हैं तो वो फ्लावर्स की लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। जब 44 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैंने देखा है, तब भी हमारा ये फ्लावर इसका ख़राब नहीं होता है। तो गर्मियों में इस प्लांट इसके फ्लावर्स आप जरूर लगाएं, बहुत ही सुंदर फ्लावर, और फ्लावर्स की लाइफ भी इसकी 15 या 20 दिन तक रहती है, जो किसी और फूल की शायद ही रहती हो। दोस्तों गर्मियों में लगातार चलने वाला है, और इसके बाद भी अगर आप सही से आप इसको मेंटेन कर पाएंगे, बरसात में थोड़ा सा इसकी देखभाल करेंगे, तो ये हमारा सेप्टेम्बर अक्टूबर तक जीनिया चलता रहता है। बस दोस्तों इसमें जीनिया में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, हमेशा ये ध्यान रखना जीनिया और विंका में खासतौर पर, दोनों इन दोनों में, कि आपको इसमें जब वाटरिंग करनी है वो ऊपर से पत्तों में नहीं करनी है। इसमें पत्तों में ऊपर से अगर आप वाटरिंग करते रहेंगे तो इन दोनों में ही ऐसा होता है कि इसमें फंगस आ जाता है, और ये बहुत जल्दी मर जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा। विंका को भी दोस्तों आपको बहुत बड़े गमलों में, ये है तो इसको 6-7, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 इंची के गमलों में लगाएं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी बड़े में न लगाएं, क्योंकि इनकी ये ज़्यादा छोटे छोटे गमलों में और छोटा फैलाव लिए हुए बहुत सुंदर लगते हैं, इनको आपने बहुत बड़ा नहीं करना है। दोस्तों जीनिया को आप थोड़ा सा बड़ा साइज में लगा सकते हैं, 8 से 10 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके फ्लावर्स भी
छोटे छोटे फ्लावर्स में भी आते हैं, इसमें डबल वैरायटी में भी आता है दोस्तों। ये तो पता लगेगा कि ये कैसा है। मैंने वैसे अपने घर पर भी मैंने कुछ लगा रखे हैं, बहुत अच्छा मेरे को उसमें इस बारी पता नहीं बीज सही नहीं था दोस्तों, आए नहीं, 3-4 पेड़ ही मेरे लग पाए हैं, वो मैंने लगा दिए हैं और उनमें अभी थोड़ा सा फ्लावर्स आने भी स्टार्ट हो गए दोस्तों। ये हमारा ग्लाडिया देखिए, इसमें भी ये भी गर्मियों का बहुत ही सुंदर एक फ्लावर है। इसमें भी हमारे बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये भी गर्मियों में लगातार हमारा बना रहता है। ये भी हमारा अगर अप्रैल से खिलना स्टार्ट हो जाता है तो ये लगभग आपका अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर है, इसको भी आप अवश्य लगाएं। थोड़ा सा एक बारी एक दो बारी आप ले आएंगे, फिर इनके बीजों को संभाल के रख लें, अगले साल फिर इनको लगा दें, ये लगातार होते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम इसके बीज अपने आप ही घरों में खुद संभाल के रख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक ग्लाडिया का पेड़ मैंने लगा दिया था पहले ही, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये मेरे पास एक गमला खाली पड़ा था, उसके बगल में जो है वो वाइट वाली गुलदाउदी के मेरे प्लांट्स हैं। मैं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाह रहा था कि उनमें ये कुछ कोई और प्लांट भी लग जाए, वो भी गमला भी बेकार ना जाए, क्योंकि वो काफ़ी स्पेस को घेर लेंगे और उनकी ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए हमारा कितना सुंदर ये लगता है खिलने के बाद। अब दोस्तों इनके हम किस प्रकार से इनकी सॉइल बनाएंगे, सॉइल मिक्स हमारी कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगभग सॉइल मिक्स तो सभी का एक जैसा होता है। ये देखिए दोस्तों हमने सब सॉइल मिक्स तो सभी प्लांट्स के लिए लगभग एक जैसा ही हम बनाते हैं, लेकिन जब आपका विंका है दोस्तों उसमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा रेत वगैरह मिलानी पड़ती है, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा सा भी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। विंका हमारा बहुत जल्दी मर जाता है और ख़ासतौर पर आप देखेंगे जब अभी बरसात का सीजन आएगा तो एकदम से इसमें बारिश का पानी पड़ता है तो एकदम से ये मरने लग जाता है हमारा। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विंका के अंदर पानी बिल्कुल भी आपका खड़ा ना रहे, उसकी उसका जो ड्रेनेज सिस्टम हो वो बहुत अच्छा हो और उसमें आपको थोड़ा सा अधिक मात्रा में रेत मिलानी है, यानी कि उसमें रेत का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा दें, 15 से 20% कर दें। बाकी दोस्तों हमारी देखिए गार्डन सॉइल लगभग मैंने 30 से 40% रखी है, 30% हमारा इसमें अपना घर का कंपोस्ट मिला हुआ है। आप जो वाइट वाइट देख रहे हैं ये थोड़ा सा मैंने इसमें राख मिला ली है पोटास के लिए, थोड़ा सा नीम खली इसमें मिला दी है और दोस्तों बस यही मैंने इसमें मिला रखा है और कुछ आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद में इसको बेशक लगाइए, पुरानी गोबर की खाद हो, बहुत ही अच्छे चलते हैं ये प्लांट्स, इनमें कुछ भी ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती नहीं है और कोई ज़्यादा आपको सॉइल मिक्स पे इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ऐसा लगाना वैसा लगाना। ये प्लांट्स हमारे बहुत ही रफ टफ वाले हैं और ईजिली हमारे चलते हैं दोस्तों। मैंने दो तीन प्लांट्स इनके लगाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने सुंदर चल रहे हैं, उसमें भी फ्लावर्स हमारे आ रहे हैं जीनिया के। ये देखिए दोस्तों ये हम इसको लगा चुके हैं जीनिया में, अब इसमें फ्लावर्स भी आने लगा है। शायद ये हल्का सा कुछ व्हाइट जैसा लग रहा है, फ्लावर्स के कलर कैसे आते हैं ये तो बाद में पता लगेगा। ये देखिए और ये देखिए दोस्तों इसमें हमारी बहुत सारी ब्रांचेस भी निकल आई हैं अलग अलग से और इसमें भी हमारे छोटी छोटी अभी कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों मैंने इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारी एकदम से पानी डाले और निकल जाएं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे इसमें नीचे से पत्ते मिला रखे हैं। गर्मियों में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी में जब हीट ज़्यादा होती है दोस्तों ये एकदम से मुरझा जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इसका किस प्रकार से गमला तैयार करना है। और ये देखिए दोस्तों हमारा ये हमारा विंका, इसकी जो मिट्टी मैंने बना रखी है ये थोड़ा सा इसमें मैंने रेत ज़्यादा मिलाई हुई है और बाकी इस जीनिया वगैरह में तो मैं अब ज़्यादातर रेत मिलाता नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि अब हमारे गार्डन सॉइल में लगभग काफ़ी मिट्टी पहले ही ऑलरेडी रेत हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा पुराना है दोस्तों और ये अपने आप आया है हमारा विंका, देख कितना अच्छा कलर आता है ये भी। और दोस्तों ये देखिए ये हमारा लास्ट ईयर का ही है, हालांकि अब मैं इसमें ट्राई करूंगा कि इसकी हमारी कटिंग से मैं इसमें तैयार कर लूँ, इसके बहुत सारे मेरे कटिंग से तैयार हो जाएंगे, अभी मैं कर नहीं पाया हूँ। थोड़ा सा मैं गर्मी ज़्यादा इस बारी हो गई और इस बारी बरसात बिल्कुल नहीं हुई तो मुझे डाउट है कि ये पता नहीं इतनी गर्मी में ये कटिंग लग पाएंगी नहीं लग पाएंगी, इसलिए मैंने लगाया नहीं। अब क्योंकि मैं इसके जो बीज हो रहे हैं इनको जगह जगह लगा रहा हूँ तो इससे ये मेरे बहुत अच्छे निकल आएंगे दोस्तों। तो ये तो हमारा परमानेंट रह जाता है, ये बिल्कुल देसी जैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। जो देसी फ्लावर आता है वो दूसरा होता है दोस्तों, उसका कलर हमारा थोड़ा सा फर्क होता है, उससे हल्का इससे हल्के कलर में होता है, लेकिन इसका कलर देखिए कितना अच्छा आँखों को लगता है। और ये साथ में ये विंका बहुत गर्मी में हमारे को ये ब्राइटनेस ले हुए बहुत सुंदर लगता है। देखिए दोस्तों जीनिया के लिए हम ये वाला गमला ले रहे हैं और इसमें बड़ा फायदा रहता है, नीचे से इसमें इतने छेद होते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगातार नीचे से हमारी बनी रहती है। आपको क्या करना है, इसमें कोई भी आप इस प्रकार से जालीदार कपड़ा ले लें
या जालीदार नहीं भी आता दोस्तों, आपके छत पर अगर आप नेट यूज करते हैं उसके पुराने टुकड़े होते हैं, इस प्रकार से आप इनको भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर से ऊपर डाल दिया, जिससे कि हमारा जो हमारी मिट्टी वगैरह है वो नीचे न जाए और नीचे से ऑक्सीजन का लेवल हमारा बराबर बना रहे। तो दोस्तों मैं एक ही डालूंगा, और इसमें साथ में हम क्या डालते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कुछ इस प्रकार से हैं आपके पास, या फिर आपके पास सूखे पत्ते हो, सूखे पत्ते दोस्तों इसको खूब सारे नीचे से डाल दीजिए, इस प्रकार से जो टहनियाँ वगैरह जा रही हैं इनको भी डाल दें। ये क्या होगा दोस्तों, आपका नीचे से इसमें हमेशा हीट आएगी नहीं, नीचे से आपका हीट ये कभी देगा नहीं। अगर ये पत्ते हैं हमारे तो इतनी जल्दी ये पत्ते हमारे गलते नहीं है, ये पत्ते हमारे बने रहते हैं। मैंने अभी ये सर्दियों की जब मिट्टी निकाली उसके अंदर भी मेरे थोड़े थोड़े से, हालांकि वो खाद जैसे बन गए थे, पत्ते निकले दोस्तों। तो ये आराम से पौधे को हमारे नीचे से बहुत ठंडक देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप गर्मी में ज़रूर जब प्लांट लगा रहे हैं तो इस प्रकार से करें। इस प्रकार से कुछ सूखे पत्ते लाइए और इनको खूब दबा दबा के आपने कोशिश करनी है। देखिए दोस्तों मैं कितना सारा डाल रहा हूँ, और ये आपकी बहुत अच्छी खाद भी बन जाएंगे, और ये लगातार फिर प्लांट्स को बाद में थोड़ा सा इसको बारीक करते हुए दोस्तों इस प्रकार से कर लें। प्लास्टिक वगैरह के जो भी चीजें हैं उनको निकाल लीजिए। अब इस प्रकार से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका भरी गर्मी में भी आपका पौधा कभी नहीं मुरझाएगा, क्योंकि वाटर को भी काफी मॉइस्चर को इसमें रिटेन कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए बस, अब हम इसमें अपनी मिट्टी को डाल देंगे। पहले मिट्टी जब डालें दोस्तों उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से नीचे की ओर दबा दें, सिर्फ पहली वाली मिट्टी को आपने अच्छी तरह से नीचे की ओर दबाना, जिससे कि पत्ते हमारे अच्छी तरह से नीचे दब जाए। इससे क्या होता है, नहीं तो हमारे बाद में ये मिट्टी नीचे चली जाती है, जब पत्ते दबते हैं गीले होते रहते हैं और नीचे चले जाते हैं, फिर हमारा काफ़ी लेवल नीचे हो जाता है। बस दोस्तों ये मैंने दबा दिया, और इसके बाद इसमें और थोड़ा सा मिट्टी डालते हुए देखिए दोस्तों इसको निकालने का तरीका, आराम से आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। जड़ें देखिए इसकी बाहर भी आ गई है, क्योंकि मैंने इसको अपने एक बड़े से पॉट में रख दिए थे। ये कल रात को इसमें पानी डाला हुआ दोस्तों, इसलिए भी एकदम से निकल नहीं रहा। अगर ये सूखा हुआ होते हैं तो उस समय आराम से निकल आते हैं। दोस्तों अगर नहीं निकलता है तो आप ज्यादा वो ना करें, इसको आराम से इस प्रकार से पॉलीथीन को ऐसे हटाते हुए, क्योंकि कई बार ये हमारे नीचे बहुत अच्छी तरह से जड़ बना लेते हैं, फिर निकलते नहीं। और आपको ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी, इसके जड़ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों। ये देखिए हमारी यहीं की मिट्टी में है, ऐसा नहीं है कि ये लाल मिट्टी में हो, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो जड़ को ऐसे हल्का हल्का खोल दीजिए बस, ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी दोस्तों। ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी को और हटा दें, दोस्तों उसका स्पेस बनाते हुए दोस्तों सिर्फ 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे कि इनके अंदर बहुत सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं हमारे। अब क्योंकि सब में कलियां बननी स्टार्ट हो गई है, अब मैंने इनको इस प्रकार से रिपोर्ट भी कर दिया, तो अब इसकी ग्रोथ एकदम से तेज होगी। और इसमें मैंने पोटास भी मिला रखा है, अपने इसमें राख मिला रखी है। राख बहुत अच्छा एक फंगस का काम भी करती है, एंटी फंगस का, और साथ में प्लांट्स को पोटास भी देती है। आप नीम खली भी उसके बदले यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा अपने कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया हुआ दोस्तों, हालांकि हमें 30% करना चाहिए, लेकिन मैंने इस वक्त अभी इसमें सिर्फ 15-20% से भी शायद कम कर रखा है, क्योंकि मेरी मिट्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा खाद वाली मिट्टी है, तो मैंने मिट्टी की मात्रा इसमें बढ़ा दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमें रखना है, और एक काम और करना, अब इसमें पानी लगा देंगे दोस्तों, और कम से कम एक दिन इसको, आज जैसे अभी मैं मॉर्निंग में लगाया दोस्तों, अभी मैं मॉर्निंग का समय है, अभी मैं मॉर्निंग में लगा रहा हूँ। वैसे तो हमें इवनिंग में लगाना चाहिए, लेकिन इवनिंग में समय नहीं मिल पाता, इसलिए आज मैं इसको मॉर्निंग में लगा रहा हूँ मैं। तो अभी आपको कम से कम इसको एक दिन
यानी कि आज पूरा दिन हम इसको छाया में ही रखेंगे। थोड़ा सा इसका रूट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इसको हम हल्की छाया में रखेंगे, एक दो दिन रखिए, उसके बाद इसको धीरे धीरे धूप में ले आएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लगाइए और प्लांट्स को इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार की थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम सारे प्लांट्स को लगा लेंगे और इनको हम एक दिन शेड में रखेंगे और उसके बाद दोस्तों मैं इसका आपको अपडेट दूंगी जब इसमें अच्छे अच्छे फ्लावरिंग हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए हमने सारे जितने भी हम प्लांट्स लेकर आए थे नर्सरी से, ये सब हम इसमें हमने लगा दिए हैं गमलों में, रिपोर्ट कर दिया है सबको और थोड़ा थोड़ा हमने पानी इसमें डाल दिया है और इसको हमने थोड़ी छाया में रख दिया है। एक दिन तक दोस्तों हम इसको छाया में रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हम ओपन सनलाइट में रख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।